तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला पूड़ी। तो बहुत ही इजी स्टेप के साथ इस रेसिपी को मैं आज बताने वाली हूँ आप लोग को। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को आप फॉलो करें। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा। आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूँ के आटे से पूड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो कलर के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें हम। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। यहाँ पे ले रहे हैं हम चाट मसाला। चाट मसाला से जो पूड़ी है वो काफ़ी अच्छा लगेगा, टेस्टी फ्लेवर आ जाएगा इसका। तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन और कलौंजी, इससे पूड़ी का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो इन सभी को मिक्स कर देंगे हम। बहुत ही इजी स्टेप है इस पूड़ी को बनाने में और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। आप इसे नाश्ते में या फिर आने वाले फेस्टिवल में इसे बना सकते हैं घर पे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो हम रेडी करेंगे। डो जो होना चाहिए वो कड़ा होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए डो, नहीं तो जो पूड़ी है वो ख़राब बन जाएगी। तो यहाँ पे डो मैंने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं डो का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आया है। तो 2 से 3 बार इसे हम गूँथ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि आटा जो है वो कितना सख्त यहाँ पे मैंने गूँथा है। तो इसी तरह का आटा, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसका तो लोई बना कर रेडी कर लेना होगा। और जो लोई का साइज होगा वो रोटी जो हम बनाते हैं जिस तरह का लोई होता है उसका आधा होना चाहिए या थोड़ा सा कम छोटा होना चाहिए, क्योंकि पूड़ी का साइज छोटा होता है रोटी से। तो यहाँ पे मैंने लोई को रेडी कर लिया है। अब हम एक एक करके पूड़ी यहाँ पे बेलेंगे। तो यहाँ पे लोई को थोड़ा सा सूखे आटे में हम मिक्स करेंगे ताकि जो पूड़ी हम बेलेंगे वो चिपके ना। तो इस तरह से पहले हमें आटा लगा लेना है, उसके बाद हम पूड़ी बेलेंगे। पूड़ी का साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए जिस तरह से आप बनाते हैं घर में। तो इसी तरह से सभी को सबसे पहले तो हम बेल के रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थाली में मैंने 4 पूड़ी को बेल लिया है। गैस पे कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए और इसमें तेल भी डाल दिया है, ये भी गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक पूड़ी डालेंगे इसमें फ्राई करने के लिए। तो ऊपर से जो गर्म तेल है इस पर डालने पर जो पूड़ी होता है वो अच्छे से फूल जाता है। तो अभी हल्का हल्का इस तरह से प्रेस तो वो ऊपर की ओर फूलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे मैंने पलट दिया है ताकि अच्छे से तेल में डिप हो जाए दोनों साइड से और पूरी फूल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से खिल गया है यहाँ पे। और यहाँ पे गैस को मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। जब मैंने पूरी को डाला था तो गैस मीडियम फ्लेम पे था। तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पूड़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और कलर भी इसका आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आया है इसका। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो इसी तरह से सभी पूड़ी को हम तल लेंगे। सबसे पहले बिल्कुल क्रिस्पी और एकदम फुला फुला पूड़ी बना है और कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। और किसी भी सॉस के साथ या फिर किसी भी चटनी सब्जी के साथ इसे आप खा सकते हैं, खाने में काफ़ी मज़ेदार है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।